यही कहते आत्मा को देहा समार पीनु, है ना। देही किसको कहते हैं? आत्मा को। जैसे देह देही का अंश है, ये शरीर किसके अंश है? आत्मा का। आत्मा है तभी ये शरीर है, आत्मा नहीं तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए हम लोग ये शरीर को आत्मा मान बैठते हैं, क्योंकि आत्मा के नजदीक है। समझ में आया? तो देह जिस प्रकार देही का अंश है, उसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा के अंश है। आत्मा किसके अंश है? परमात्मा के। और परमात्मा के ही भोग्य वस्तु है आत्मा। जैसे देह देही के भोग्य वस्तु है, ऐसे आत्मा परमात्मा के भोग्य वस्तु है। ये विशिष्टाद्वैत मत है। विश्लेषण विशिष्ट है। एक वस्तु का एक स्थान से एक स्थान में अवस्थान करना ही उस वस्तु के अंशत्व का परिचायक है। किसी एक विशिष्ट अर्थात विशेषण युक्त वस्तु का जो विशेषण है, वही उसका अंश है। विशिष्ट अर्थात विशेषण युक्त। विशिष्ट मतलब क्या है? विशेषण युक्त। विशेषण युक्त विशेषण किसको कहते हैं? विशेषण युक्त वस्तु का जो विश्लेषण है। विशेषण वस्तु का जो विश्लेषण, विश्लेषण मतलब उनका अंश। यहाँ विशिष्ट वस्तु कौन है? भगवान। विशिष्ट वस्तु कौन है? भगवान। और विश्लेषण कौन है? जीव। विश्लेषण कौन है? जीव या विश्लेषण। तो विशिष्ट कौन है? विशिष्ट है भगवान। विश्लेषण कौन हुआ? जीव। इसलिए विशिष्ट अद्वैत। समझ में आया? इनका मत विशिष्ट अद्वैत है ना? नहीं आ रहा समझ में? भगवान कौन है? विशेषण युक्त। कौन है? विशेषण युक्त। और जीव कौन है? विश्लेषण, मतलब उस विशेषण युक्त का विश्लेषण, मतलब उनका एक प्रकाश। समझ में आया? विश्लेषण। विश्लेषण क्या होता है? गुण होता है। जैसे व्यक्ति के गुण, व्यक्ति के गुण को विश्लेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्लेषण। जैसे विशेषण युक्त व्यक्ति है, कहते हैं ना, ये व्यक्ति बहुत गुणवान है और उनके गुण हैं। ये क्या है? उनके गुण। तो उनके गुण को क्या कहेंगे? इस व्यक्ति के व्यक्ति विशेष है और इनके गुण भी विशेष है। नहीं कहते ऐसे? तो इनके गुण, इनके गुण किसके गुण है? वो व्यक्ति के गुण है। तो गुण किसके अधीन है? व्यक्ति के अधीन है ना। तो गुण उनका क्या हुआ? गुण एक अंश हुआ। गुण क्या हुआ? एक गुण एक अंश ही है उनका। समझ में आया? तो उसी प्रकार विशेषण युक्त व्यक्ति का जो वस्तु है, वो है विश्लेषण। विश्लेषण तो विश्लेषण कौन है? आत्मा। और विशेषण युक्त कौन है? भगवान। भगवान है विशेषण युक्त और विश्लेषण उनका आत्मा, जीवात्मा। मतलब जीव जो है विश्लेषण है, इसलिए इसका नाम विशिष्ट अद्वैत है। क्या है? विशिष्ट अद्वैत। वही उसका अंश है। विवेचना करने वाले लोग भी विशिष्ट अर्थात विशेष विश्लेषण युक्त वस्तु में यह अंश विश्लेषण है।
अंश क्या है? भगवान का विश्लेषण है, और यह अंश विशेष्य है, विश्लेषण भी है और विशेष्य भी है। इस प्रकार निर्देश करते हैं। विश्लेषण और विशेष्य, इन दोनों के बीच अंश और अंशी का भाव रहने पर भी इनके स्वभाव में विलक्षणता देखी जाती है। मतलब भगवान और ईश्वर में भगवान के अंश है जीव, ईश्वर और जीव में अंश अंशी का भाव होने पर भी इनके स्वभाव में विशेष विलक्षणता देखी जाती है। इसी प्रकार जीव और परमात्मा, इन दोनों में विश्लेषण और विशेष्य का संबंध होने पर भी अंश अंशी का भाव और स्वभाव की विलक्षणता होती है। इसलिए अंश अंशी भाव भी रहता है और स्वभाव का भी विलक्षणता होता है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि जीव जिस प्रकार का है, परमात्मा ठीक उसी प्रकार के नहीं है। इसलिए ऐसा कहा जाएगा, जीव जिस प्रकार का है, परमात्मा ठीक उसी प्रकार का नहीं। जीव जिस प्रकार का है, परमात्मा क्या ठीक उसी प्रकार है? नहीं। जिस प्रकार प्रभा से प्रभामान वस्तु अग्नि और सूर्य आदि पृथक है, उसी प्रकार प्रभा स्थानीय स्वांश भूत जीव से अंशी परमात्मा भी पृथक है। जिस प्रकार अग्नि, जिस प्रकार अग्नि और अग्नि की चिंगारी, जिस प्रकार क्या है, अग्नि और अग्नि के चिंगारी करा दो, जिस प्रकार अग्नि और अग्नि के चिंगारी अलग अलग है, नहीं है अलग अलग है कि नहीं? अग्नि और अग्नि के चिंगारी अलग है, एक होने पर भी अलग अलग है ना। चिंगारी इतना सा है, चिंगारी से कोई मरेगा है? चिंगारी से कोई मरेगा? समझ में आया? तो अलग अलग है ना। और चिंगारी आग से अलग होता है, नहीं होता क्या? आग में मिला हुआ होता है चिंगारी। जब तक आग से अलग नहीं निकलेगा है, तो चिंगारी कहेंगे उसको? तो चिंगारी क्या होता है? आग से अलग होता है। इसलिए क्या कह रहे हैं, पृथक है। उसी प्रकार परमात्मा अंशी अंशी और अंश में भी ऐसा पृथकता भाव है। जिस प्रकार जीव और परमात्मा, इन दोनों में युक्त विश्लेषण और विशेष्य भाव द्वारा स्वभाव की विलक्षणता के आधार पर ही समस्त प्रकार के भेदों का निर्देश किया जाता है। जो अभेद निर्देश किए गए हैं, वह भी पृथक रूप में अवस्थित अयोग्य विश्लेषण समूह के विशेष्य तक के होने के कारण आधार पर ही मुख्य रूप में उत्पन्न होते हैं। कहीं कहीं अपृथक बताया, कहीं कहीं, पर ज्यादातर पृथक ही बताया। जैसे कहीं कहीं भगवान से मिलता जुलता बताया, कहीं कहीं जीव, पर ज्यादातर, पर उसमें भी गौण दृष्टि से दर्शन करेंगे तो वो पृथक ही होगा। वो क्या होगा? पृथक ही होगा, मतलब अलग ही होगा। जैसे चेतनता कहा,
जैसे जीव चिदानंदमय है, कभी नहीं मरेगा, भगवान भी नहीं मरता, बात तो सही है। इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि हाँ दोनों में एक भाव है क्या? नहीं, मरेगा नहीं दोनों ही कभी। जीव हमेशा से था, भगवान भी हमेशा से है, रहेगा, ऐसा है। इसमें लगता है कि एक है, पर फिर भी एक तो नहीं है ना। भगवान विभु है, जीव बिल्कुल क्षुद्राणु है। भगवान अनंत शक्ति संपन्न है, जीव के अंदर इतना शक्ति नहीं है। जीव मायाबद्ध हो जाता है तो हर जगह से तो पृथक है। जीव मायाबद्ध होता है, भगवान मायाधीश है, मायापति है। जीव का कर्म बंधन लगता है, भगवान को कोई कर्म बंधन स्पर्श भी नहीं करता, ऐसा ऐसा। तो हर जगह से क्या हो गया? पृथक। तो ज्यादातर जीव और परमात्मा में पृथक दृष्टि होता है, इसलिए इसको अचिंता भेदाभेद भी कहते हैं। अचिंता भेदाभेद, ज्यादा भेद होता है, एक दो बार कहीं अभेद बताया, वैसे ज्यादा भेद ही है। तो इसलिए यहाँ पे भी एक ज्यादा भेद बता रहे हैं। मतलब क्या? मतलब जीव भगवान से बिल्कुल पृथक है, एक जैसा नहीं है, ऐसा बता रहे। बस भाव क्या रहता है? विशेषण और विशेष्य का भाव है। विशेष्य कौन हुआ? विशेष्य कौन? विशेष्य जीव, और विशेष विशेषण भगवान, ये भाव रहता है। तो इसी को विशिष्टा अद्वैत भाव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विशिष्टा अद्वैत, विशेषण और विशेष्य भाव। विशेष्य जीव है और विशेषण भगवान है, ये भाव। तो इसलिए कह रहे हैं, अब यहाँ पे बता रहे हैं, अब खड़े रहेंगे बहुत लगेगा तो टाइम। दर्शन करा दो, कर लो जाकर। अचित के विषय में, अचित के विषय में श्री रामानुज का सिद्धांत, अचित, अचित किसको कहते हैं? जड़ जगत को। ये जड़ जगत को क्या कहते हैं? अचित। अचित ज्ञान शून्य और विकार योग्य है। अचित क्या है? ज्ञान शून्य और विकार योग्य है। मतलब अचित वस्तु विकार योग्य है, और ज्ञान शून्य है, उनके अंदर कोई ज्ञान नहीं होता, पर विकार योग्य होता है। विकार योग्य होता है मतलब क्या? विकार योग्य होता है। विकार योग्य मतलब हम उनको देख के हमारे अंदर विकार उत्पन्न होता है। तो इसलिए कह रहे विकार योग्य मतलब क्या है? माया हमको बांध नहीं सकती, पर हम माया में फंस जाते हैं, नहीं होता ऐसा। इसी को कह रहे विकार योग्य। माया जैसे बंदर मटकी में हाथ घुसा देते, सुरई में हाथ घुसा के लड्डू पकड़ लेता है, और वो लड्डू पकड़ के हाथ निकालता तो हाथ फंस जाता है। हाथ फंस जाता तो बंदर चिल्लाता है, सोचता है मटकी ने मुझे पकड़ लिया। क्या सोचता है? मटकी ने मुझे पकड़ लिया मेरा हाथ। और लड्डू छोड़ता नहीं, और मटकी से उसका हाथ निकलता है। तो ऐसा होता है, ऐसा करते हैं बंदर और पकड़ में आ जाता है। नहीं समझ में आया? तो उसी प्रकार माया है। लोग कहते हैं ना, बीड़ी ने हमको पकड़ लिया। किसी किसी को बीड़ी पीने की आदत है, तो पहले तो बीड़ी को पकड़ता है, फिर बीड़ी बाद में क्या करता है? उसको ही पकड़ लेता है। तो अब बीड़ी ने उसको पकड़ा कि उसने बीड़ी को पकड़ा? किसने किसको पकड़ा? कहते कैसे हैं? बीड़ी ने तो हमको पकड़ लिया, नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? तो उसी ही प्रकार माया विकार योग्य है। माया को पकड़ने से विकार होगा। क्या होगा? विकार होगा। पर माया के अंदर ज्ञान शून्य, माया स्वयं कुछ नहीं करता। ज्ञान शून्य मतलब क्या? वो स्वयं कुछ नहीं करता, पर विकार योग्य है। क्या है?
तो अचित विषय में विकार योग्य और ज्ञान शून्य बताया है। और शुद्ध तत्व, शुद्ध सत्व, मिश्र सत्व, तीन प्रकार का बताया। एक तो ज्ञान शून्य अचित, दूसरा शुद्ध सत्व और मिश्र सत्व। अब यहाँ पे बता रहे हैं सत्व शून्य के भेद से अचित तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का अचित है, मतलब तीन प्रकार के अचित है। शुद्ध सत्व अचित रज और तम से मुक्त केवल सत्व, नित्य ज्ञानानन, नित्य ज्ञानानन ज्ञानानंद जनक कर्म से अतीत, केवल मात्र भगवान की इच्छा के प्रभाव से वैकुंठगत विमान, हरे विमान, गोपुर, मंडप, प्रासाद आदि रूप में परिणित निरंतर तेजोमय स्वरूप नित्य मुक्तों के द्वारा ही भी परिच्छेद विमान जन है। अयोग्य अत्यंत अद्भुत वस्तु ही शुद्ध सत्व अचित है। यहाँ पे बता रहे हैं भगवान आदि जो वैकुंठ लोक इत्यादि है इसको शुद्ध सत्व अचित कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध सत्व अचित। शुद्ध सत्व अचित को कुछ लोग जड़ कहते हैं और कुछ लोग अजड़ भी कहते हैं। अब शुद्ध सत्व अचित को कुछ लोग जड़ भी कहते हैं, कुछ लोग अजड़ भी कहते हैं। अजड़ कहने के कारण यह है कि यह स्वप्रकाश और सांसारिक लोगों की इंद्रियों के अगोचर है, इसलिए ये क्या है? अजड़ है, क्योंकि ये सबको दिखाई नहीं देता, संसार के लोगों को नहीं दिखाई देता। ये सांसारिक लोगों को नहीं देता। अरे वो क्या है? स्वप्रकाश, वो स्वयं प्रकाश है। धाम क्या होता है? स्वयं प्रकाशमान होता है। इसलिए और इसको अचित क्यों कहा? क्योंकि जहाँ पे हम जैसे वहाँ पे वस्त्र इत्यादि सब, थाली बर्तन ये सब जो है, ये सब वहाँ किस रूप में है? जड़ रूप में है, नहीं है उस जगत में, पर है तो चेतन ना, पर है किस रूप में? जड़ रूप में। क्या है? जड़ रूप में है। समझ में आया? क्या आया? देखने में जड़ जैसा है पर जड़ नहीं है, वो चेतन है। इसलिए यहाँ पे क्या कहा? अचित शुद्ध सत्व कहा। अचित शुद्ध सत्व जड़ जैसा है पर जड़ नहीं। अचित शुद्ध सत्व का मतलब जड़ जैसा है पर जड़ नहीं। समझ में आया? तो भगवान के अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? वो कैसा है? स्वप्रकाश है वो, जो अचिंत अचित शुद्ध सत्व है वो कैसा है? स्वप्रकाश है, इंद्रियों के अगोचर है, इंद्रियों के द्वारा वो देखा नहीं जा सकता, इसलिए लोग अजड़ भी उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? अजड़ भी कहते। अजड़ मतलब जड़ नहीं, तो जड़ भी है और जड़ नहीं भी है, इसलिए जड़ हम जड़ बोल के संबोधित तो करते हैं, नहीं करते हैं? जड़ होने पर भी वो जड़ नहीं, ऐसा बोलते हैं ना, जैसे धाम धूलिकण जड़ जैसा प्रतीत होता है पर वो जड़ नहीं है, इसलिए कह रहे हैं। अमिश्र तत्व अचित यह सतर रज और तमो गुणात्मक
बद्ध चेतन जीवों के स्थान, मिश्र सत्व अच्युत। ये क्या है? सतरज तम गुणात्मक बद्ध चेतन जीवों के ज्ञान आनंद आदि को दूर करने वाला और विपरीत ज्ञान को उत्पन्न करने वाला। ये चेतन क्या, ये जड़, ये बद्ध चेतन क्या है? अब यहां पे बता रहे हैं कि मिश्र तत्व अचित क्या है, ये मिश्र तत्व अचित। ये जो मिश्र तत्व अचित होता है, पहले तो था शुद्ध सत्व अचित, क्या है? शुद्ध सत्व अचित। अब ये दूसरा क्या है? मिश्र तत्व अचित, मिश्र सत्व अचित। इसमें क्या क्या होता है? सतरज तमगुण आत्मक होता है और बद्ध चेतन जीवों के ज्ञान आनंद आदि को दूर करने वाला होता है। मतलब हम लोग जो आनंदित है, हम लोग जो क्या है, हम जीव कैसा है? जीव हमेशा आनंदमय है। जैसे भगवान आनंदमय है, ऐसे जीव भी आनंदमय है। जीव कभी दुखी नहीं होता। पर इस चेतन में आने के बाद फिर जीव क्या होता है, उस आनंद को खो देता है। तो इसलिए कह रहे हैं आनंद आदि को दूर करने वाला होता है, विपरीत ज्ञान को उत्पन्न करने वाला होता है, माया का ज्ञान उत्पन्न कर देता है, भ्रम पैदा कर देता है। और ये संसार में आके हम फिर क्या कहते हैं, इनका बेटा, इनका भाई, उनका बंधु, ऐसा कहने लगते हैं, नहीं कहने लगते हैं। और शुद्ध शून्य अचित, शुद्ध शून्य अचित का दूसरा नाम काल है। जो शुद्ध सत्व, ये सत्व शून्य अचित है, इसका दूसरा नाम क्या है? काल है। प्रकृति और प्राकृति, उस कमरे में प्राकृत वस्तुओं के परिणाम हेतु काल काष्ठ आदि के रूप में परिणत नित्य ईश्वर की क्रीड़ा का परिकर और शरीर युक्त है। शुद्ध सत्व अचित और मिश्र सत्व अचित, ये दोनों पदार्थ ईश्वर और जीवात्मा के भोग्य विषय चक्षु आदि इंद्रिय रूप भोग उपकरण एवं 14 भुवन आदि रूप भोग स्थान होते। जैसे ये 14 लोग है ना, 14 लोग कौन कौन सा? भूर्भुव स्व महर जन तप सप्त लोग, और नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसतल पाद, ये 14 लोग है ना। ये 14 लोग क्या है? ये 14 लोग जीवों के भोग स्थान है। जीव इस लोगों में भोग करते, भ्रमण करते ना, भोग करते करते भ्रमण करते, भ्रमण स्थान है। और भगवान का भी है, जैसे जीव का है ऐसे भगवान भोक्ता है, और जीव क्या है? भोगवाता है। वास्तविक में हम कहते हैं ना, अपना अपना कर्म भोग रहा है बेचारा, नहीं कहते? तो ऐसे ही जीव अपना कर्म बेचारे होकर के भोगता है। तो ऐसा है, तो 14 लोग भुवनादि रूप भोग स्थान है, ये भोग करने के स्थान है, भोग करते हैं इनमें, समझ में आया? ईश्वर के विषय में श्री रामानुचार्य का सिद्धांत चिदात्मक जगत का जन्म स्थिति और लय और संहार से मुक्त होने का एकमात्र कारण समस्त प्रकार की हेयता से रहित अनंत कल्याण गुण विशिष्ट अथवा असीम उपादेयता से युक्त अपने से इतर वस्तुओं से विलक्षण रूप
अर्थात चित और अचित विश्लेषण से जिनका स्वरूप का विशेष्य अंश से विलक्षण है असमर्थर प्रचुर असंख्य कल्याण गुण समूह से युक्त परमात्मा पर ब्रह्म ज्योति पर ज्योति पर तत्व परमात्मा सत आदि अनेक शब्दों के द्वारा समस्त वेदों की एकमात्र अंतिम प्रतिपाद्य वस्तु वे पुरुषोत्तम नारायण ही है। वो कौन है? वो नारायण है। उनके शरण में जाके उनकी जब तक आराधना नहीं करेंगे तब तक जीव की उद्धार नहीं होगा, इस माया जगत से पार नहीं पाएगा, वो माया जगत में ही भ्रमण करता रहेगा। इसलिए कह रहे हैं अंतर्यामी स्वरूप है भगवान। हाँ, भगवान क्या है? अंतर्यामी स्वरूप है। तो जीव जब तक उनका आश्रय नहीं लेगा तब तक इस संसार चक्र से वो निकल नहीं सकता, इस संसार चक्र में भ्रमण करता रहेगा। नहीं समझ में आया? तो चित, एक तो चित जगत और जीव जगत और माया जगत, ये तीनों जगत, ये तीनों जगत को, चित जगत को क्या बताया? शुद्ध सत्व अचित। और जीव जगत को क्या बताया? मिश्र सत्व अचित। और माया जगत को क्या बताया? माया जगत को क्या बताया? सत्व शून्य अचित। इसमें क्या है? सत्व शून्य मतलब उसमें मिश्र सत्व है। किसमें मिश्र सत्व है? जीव जगत में। जीव जगत में मिश्र सत्व होने के कारण जीव को भोग करने की प्रवृत्ति होता है। जीव को क्या होता है? भोग करने की प्रवृत्ति होता है। जीव उत्पन्न होता है ना भोग करने की प्रवृत्ति, तो उस भोग करने की प्रवृत्ति से उसके जो आनंदमय है वो उसको खो बैठता है। मैं आनंदमय हूँ, मैं भी भगवान की सेवा उपकारी हूँ, ये सब चीज खो बैठता है। और जब खो बैठता है तब ये सुत्व शून्य में आ जाता है। सुत्व शून्य में कहाँ आ जाता है? इस माया जगत में आ जाता है। और ये माया जगत उनका क्या होता है? भोग्य स्थान होता है। यहाँ आके फिर भोग करता है। समझ में आया? ऐसा तो क्या क्या बताया? शुद्ध सत्व अचित, मिश्र सत्व अचित और सत्व शून्य अचित। कितना क्या क्या शुद्ध सत्व अचित, मिश्र सत्व अचित, सत्व शून्य अचित, सत्व शून्य अचित, शुद्ध सत्व अचित, मिश्र सत्व अचित और सत्व शून्य अचित। सत्व शून्य अचित है ना? इसी को कौन कौन सा जगत बताया? चित जगत, जीव जगत और माया। समझ में आया? इसलिए बताया ना, जीव जगत को तटस्थ बताया, मतलब इधर भी है और उधर भी है। उसमें जड़ तत्व भी है और चिन्मय तत्व भी है। दो तत्व है तटस्थ शक्ति में। नहीं बताया?
समझ में आया। इसके कारण कभी कभी जड़ तत्व जब भारी हो जाता है तब जीवात्मा इधर आ जाता है, शून्य सत्व शून्य में आ जाता है। सत्व शून्य मतलब क्या, उसमें सत्व जैसे शुद्ध सत्व है ना, वो शुद्ध सत्व से शून्य हो जाता है बिल्कुल, इसलिए सत्व शून्य का। उसमें मिश्रित है, मिश्र सत्व मतलब माया का भी अंश है और भगवत अंश भी है, उसमें पूरा भगवान है। स्वत्व शून्य, स्वत्व शून्य अचित, समझ में आया। और फिर रामानुचारी का सिद्धांत क्या बताया, इसमें बताया ईश्वर के विषय में सिद्धांत, जगत का जन्म जन्म स्थिति और लय संसार से मुक्त होने का एकमात्र कारण भगवान का आराधना करने से ही छुटकारा मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो भगवान किन किन नामों से जाना जाता है तो यहाँ बताया, चिद नाम से जानते हैं, और ये सब बताया, परमात्मा, परतत्व, सत, शब्दों में जाना जाता है, पर वही परम पुरुषोत्तम नारायण ही है। वो कौन है? परम पुरुषोत्तम नारायण ही है, अंतर्यामी स्वरूप है, हेयता दोष विरोधी अनंत ज्ञान दैनिक स्वरूप ज्ञान शक्ति आदि कल्याण गुणों के विभूषित आर्थ जिज्ञासु और अर्थार्थी ज्ञानी, इन चार प्रकार के पुरुषों के एकमात्र आश्रय स्थल भी भगवान है। कितने प्रकार के भक्त होते हैं? आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, कितने? अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। अर्थ किसको कहते हैं? जो शरीर से दुखी है, बीमारी, अर्थ धन नहीं, पैसा नहीं, धन अर्थ मतलब दुखी, मतलब कैसा दुखी? शरीर से काय से जो दुखी है, बहुत परेशान है, तो ऐसा व्यक्ति भी भगवान का भजन करना चाहता है, उसको अर्थ कहते हैं। जिज्ञासु किसको कहते हैं? जिसके अंदर जिज्ञासा होता है, कौन है हम, कहाँ से आए, हमारा परिचय क्या है, हमारा भगवान कौन है, ये सब जिज्ञासु। अर्थार्थी किसको कहते हैं? जो धन के लिए आते हैं, पैसा के लिए आते हैं, धन नहीं है हमारे पास, पैसा थोड़ा मिल जाए, भगवान का भजन करने से मिल जाएगा, ऐसा सोचते हैं, उसको अर्थार्थी भक्त कहते हैं। और ज्ञानी किसको कहते हैं? जो ज्ञानवान होता है, जो जानता है उसको। ये चार प्रकार के जो ज्ञानी पुरुष मतलब भक्त है, इनके भी आश्रय स्थल एकमात्र भगवान है। और फिर चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्रदाता विलक्षण विग्रह युक्त श्री भू लीला के नायक श्री नारायण ही ईश्वर है। नारायण कौन है? ईश्वर है। यथा रामानुज कृत वेदांत संग्रह में भी ऐसा ही बताया। क्या बताया? ईश्वर के स्वरूप एक पर, दूसरा बिहु, तीसरा विभव और चौथा अंतर्यामी, पांचवा अर्चावतार के भेद से पांच प्रकार के होते हैं। अर्चावतार के भेद से कितने प्रकार के होते हैं? पांच प्रकार के होते हैं। परतत्व, सत्व, पर शब्द से परमेश्वर, नित्य वर्तमान आदि ज्योति स्वरूप, ज्योति रूप पर वासुदेव का बोध होता है। अब दूसरा बिहु किसको कहते हैं? तत्व सृष्टि स्थिति संहार के लिए, क्या कह रहे हैं?
तत्व सृष्टि स्थिति संहार के लिए संसार के संरक्षण और उपासकों पर कृपा करके करने के लिए संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध के रूप में अवस्थित जो है उसको बिहू कहते हैं। बिहू उसको क्या कहते हैं? बिहू कहते हैं। बिहू किसको कहते हैं? किस लिए? ये जो क्या है, संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये चार जो है ना इनको बिहू कहते हैं। और ये चार किस लिए उत्पन्न हुए भगवान से? क्योंकि ये संसार के स्थिति प्रलय इत्यादि को संभालने के लिए ये बिहू उत्पन्न हुआ है, तो इसलिए कह रहे इसको बिहू कहते हैं। बताया ना, क्या बताया? और वासुदेव, तो इनको बिहू कहते हैं। बिहू कहते हैं, अवस्थित है उनको बिहू कहते हैं। अब बता रहे हैं विभव तत्व, राम कृष्ण आदि अवतार को विभव तत्व कहते हैं। पहले बताया ना पर बिहू विभव, पांचवा अर्चावतार के भेद से पांच अंत बताया ना। तो ये क्या हुआ? पहले क्या हुआ? बिहू। फिर दूसरा क्या हुआ? विभव। विभव में क्या होता है? अवतार समूह, भगवान के अवतार होता है, उसको विभव कहते हैं। चतुर्थ अंतर्यामी तत्व दो प्रकार के होते हैं। अब अंतर्यामी चतुर्थ है, अंतर्यामी बताया ना यहाँ पे अंतर्यामी, तो चतुर्थ में अंतर्यामी है। और अंतर्यामी कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के अंतर्यामी। बिहू कितने प्रकार के हैं? चार प्रकार के। बिहू कितना? चार। और ये अंतर्यामी कितने? दो प्रकार के, है ना। अंतर्यामी दो प्रकार के कौन कौन सा है? क मतलब एक, दास के अंतकरण में प्रविष्ट परमात्मा जो है वो अंतर्यामी रूप में परमात्मा सबके हृदय में रहता है। और वासुदेव हमारे प्राण स्वरूप है, इस प्रकार की चिंता करने वाले विचारमान पुरुषों के अंतकरण में स्वयं प्रवेश होकर के लक्ष्मी के साथ विराजमान सर्वांग सुंदर परम सुंदर श्री नारायण उनके हृदय में विराजते हैं। ये एक अंतर्यामी, दो अंतर्यामी हो गया ना, एक तो हो गया सबके अंदर है और एक हो गया जो भगवान का प्रीति युक्त भजन करके उनको अपने हृदय में धारण करते हैं। ये दो प्रकार के हो गए। अब पांचवा है अर्चावतार, दासों की सेवनमुख आत्मवृत्ति के अनुरूप प्राकृत नाम रूप विशिष्ट उपास्य मूर्ति। प्राकृत नाम रूप विशिष्ट उपास्य मूर्ति, ये अर्चावतार जो हम ठाकुर जी के सेवा करते हैं, ये क्या है? अर्चावतार इसको कहते हैं। ये प्राकृत नाम रूप विशिष्ट है, उपास्य मूर्ति मतलब भगवान का श्री विग्रह। ये स्वेच्छा से सर्वज्ञ है, वैसे स्वेच्छा से भगवान सर्वज्ञ है, होकर के भी अज्ञ है, अज्ञ के रूप में रहते हैं, अज्ञ के समान भगवान वैसे देखने में, वैसे क्या है सर्वज्ञ है, पर हमको देखने में लगता है सर्वज्ञ श्री विग्रह महसूस होता है, इसलिए देखने में कैसा होता है? अज्ञ समान। और सर्वशक्तिमान होने पर भी निःशक्ति के समान, सर्वशक्तिमान होने पर भी निःशक्ति के समान लगता है, महसूस थोड़ी होता है सर्वशक्तिमान है हमारा अभी रक्षा करेगा, ऐसा लगता है हमको ही उनका रक्षा करना चाहिए, नहीं होता ऐसा है। अब कुछ लोग आए मंदिर में चढ़ गए, वो भगाया थोड़ी, हमको ही भगाना पड़ा, समझ में आया? तो क्या हुआ,
ही शक्ति के समान, और पूर्ण काम होने पर भी दूसरे पर निर्भर, पूर्ण काम होने पर भी दूसरे को पर निर्भर। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, पूर्ण काम होने पर भी दूसरे को पर अब निर्भर है, निर्भर है ना। हम रसोई बनाएंगे खिलाएंगे तो खाएगा, नहीं भूखा है, आरती करेंगे तो भूखा नहीं, अपने आप तो मिल जाएगा, निर्भर। और रक्षक होकर के भी, हाँ, रक्ष प्राय रक्षा करने वाले के समान, रक्षा चाहने वाले के समान। भगवान स्वयं रक्षक है, पर वो हमसे ही रक्षा चाहते हैं, हमारा रक्षा तुम करो, समझ में आया नहीं, हमारा रक्षा तुम करो, ऐसा। रक्षा करने वाले स्वयं है, पर भक्तों के आगे क्या कहते, हमारा रक्षा तुम करो, नहीं करते। अर्चा बिग्रह की रक्षा करते हैं, ऐ सावधान से करना, कहीं लग ना जाए, नहीं कहते ऐसे हम है? हम ऐसे कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। स्वयं स्वामी होकर के भी भक्तों के पराधीन, स्वयं स्वामी है पर भक्तों के क्या होता है, पराधीन, पराधीन है होकर विराजमान है, वही अर्चा विग्रह है। जैसे होके विराजमान है उसी को अर्चा विग्रह कहते हैं। ईश्वर स्वभाव तो ही निर्दोष है, ईश्वर स्वभाव तो ही निर्दोष है, उनके अंदर कोई दोष नहीं है। स्थूल और सूक्ष्म रूपी समस्त जगत ही उनका शरीर है, ये समस्त जगत ही भगवान का शरीर है। भागवत में जैसे बताया, पेड़ पौधा भगवान के हाथ पैर है, पहाड़ पर्वत भगवान के वक्षस्थल है, ऐसा बताया, हड्डी बताया ना, पहाड़ को हड्डी बताया, हाथ पैर भी बताया, वो भी बताया, पर हाथ पैर भी बताया, वृक्षों को, हाँ, लोम भी बताया, हाँ, हवा जो है भगवान के वायु, पंच वायु है, प्राण वायु, ये सब बताओ, नहीं समझे तो। ये प्राकृतिक और स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही भगवान के शरीर है। हाँ, ईश्वर में कर्म बंधन की गंध भी नहीं है, भगवान में कर्म बंधन की गंध में, कर्म बंधन नहीं रहने से पुरुषार्थ विरोधी कोई भी धर्म उन्हें स्पर्श नहीं करता, कोई भी धर्म कर्म उनको स्पर्श नहीं करता। जैसे लौकिक दृष्टांत में देखा जाता है कि राज शासन के अनुगामी होते हैं, जो राजा होते हैं राज शासन के अनुगामी होता है। जैसे कोई व्यक्ति राज आज्ञा को पालन नहीं करने से उसको दंड दिया जाता है, नहीं दिया जाता है और उसको दंड देते हैं, और उसकी कृपा पात्र होने से उसको पुरस्कार करते हैं, तो उसमें राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर राजा किसी को पुरस्कार कर देगा तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका धन कम हो जाएगा या उसको कोई फर्क पड़ जाएगा, वो पुरस्कार कर देगा तो नहीं, और दंड भी देगा तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी ही प्रकार भगवान में कर्म बंधन का कोई परिणाम को प्राप्त नहीं होता, भगवान कर्म बंधन से मुक्त है। कर्म का फल जरूर देते हैं सबको, पर खुद के ऊपर कर्म का फल कुछ नहीं लगता, क्योंकि भगवान कर्म बंधन में नहीं, ठीक है ना। वांछा